और आज उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गजन, हमारी माताएं बहनें और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और जो ये उपचुनाव हो रहा है लगातार यह प्रशासन की एक तरह की रणनीति बनी है कि करनल विधानसभा चुनाव हरा तो सकते नहीं है ये लोग, लेकिन जो जीत की जो अंतर है उसको घटाने की इनकी रणनीति बनी है। और मैं समझती हूं कि जब 2022 में जो चुनाव हुआ था मैनपुरी लोकसभा का, तभी भी शासन और प्रशासन ने इसी रणनीति के तहत काम करते हुए जीत की संख्या, वोटों की गिनती को गिराने का पूरी कोशिश करी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एक एक मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी जनों का, जिन्होंने नेताजी के मान सम्मान में एक एक वोट डलवाकर एक ऐतिहासिक जीत पूरे देश में मैनपुरी का नाम और नेताजी का नाम और उज्जवल करने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं हमेशा और नेताजी का पूरा परिवार आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जो आज ये लड़ाई होने जा रही है, यह हमारी विचारधाराओं की और सिद्धांतों की लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ हमारे पास वो सिद्धांत है, वो विचारधारा है जो हमें आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने दी थी, जो हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करती थी, जो सबको मिलाकर आगे बढ़ने की बात किया करती थी। और एक तरफ वो विचारधारा है, और एक तरफ वो विचारधारा है जो बांटने की बात करती है, जो काटने की बात करती है, जो ऐसी नकारात्मक राजनीति की बात करती है, जो भय का माहौल आपस में पैदा करने की बात करती है। क्योंकि वह जानते हैं कि आज देश का और हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, सभी वर्ग के लोग आज जागरूक हो गए हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम सब एक होकर आगे बढ़े। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले। किसान चाहता है कि बिजली सस्ती हो, किसान चाहता है कि खाद मिले, वो भी सही दामों में खाद मिले। जहां हमारी महिलाएं, बेटियां, बहुएं सब चाहती हैं कि सुरक्षा महिलाओं को मिले। और लगातार जो आज हमारे प्रदेश का जो हाल है, जो हमें देखने को मिल रहा है, क्या उपलब्धियां हैं सरकार की, आप बताइए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, सरकार की क्या उपलब्धियां हैं? 10 साल का शासन बहुत बड़ा समय होता है, जहां हम अपनी पीढ़ियां बदलते हुए देख लेते हैं कहीं ना कहीं। और ये पीढ़ियों की बात करते हैं, और जैसा मुकुल जी ने कहा, अगर हम पीढ़ियों की बात नहीं करेंगे तो अच्छा बताइए, पीढ़ियां ही नहीं होंगी तो भावात्मक रिश्ते कैसे बनेंगे। और ये जो सरकारें हैं, जो ये भाजपा की सरकार है, इनके मन में कोई भाव, कोई रिश्ता, कोई प्यार का जज्बा नहीं है। ये हमेशा लड़ाने की बात करते हैं, बिगाड़ने की बात करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी ने हमेशा सबको साथ लेके आगे बढ़ाने की बात करी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए की रणनीति लेके आए हैं, जिसमें हम सब चाहते हैं कि हमारे सब पिछड़े भाई, अल्पसंख्यक भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा साथी सब मिलकर आगे बढ़े। क्योंकि जब आप सब एक साथ मजबूत हो जाओगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप पे कोई अन्याय और अत्याचार नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सब एक दूसरे का सहारा बनने के योग्य होंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। और जो मैं बात कह रही थी आपसे, अगर हम भाजपा की अगर उपलब्धियां गिनाएं तो आज की उपलब्धियां इनकी ये है कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज बिजली की दरें चरम सीमा पे हैं, आज खाद की बोरी की कीमत इतनी महंगी है कि किसानों के हाथ खाद नहीं अलग पा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम क्या है, आज दूध के क्या दाम है, इसी के साथ हमारे युवाओं की नौकरियों के क्या हाल है, और छुट्टा पशु की समस्या आज भी बरकरार है कि नहीं है। जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो आपसे क्या वादा किया गया था कि ये छुट्टा पशुओं की समस्या से आपको निवारण दिया जाएगा, ये समस्या को सुलझाया जाएगा। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है जो बातें और वादे तो बहुत करती है, लेकिन चुनाव के बाद ये सब भूल जाती है। और जब भूल जाती है, जब कोई कार्य नहीं कर सकती है,
तो ये आपस में भिड़ाने का काम करती है, जातियों को जातियों से भिड़ाती है, धर्म को धर्म से को लड़ाने का काम करती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज संविधान की रक्षा करने के लिए, आरक्षण की रक्षा करने के लिए हम सब एक बेहतर भविष्य के लिए एक साथ आए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति के तहत मुझे पूरा भरोसा है कि कन्हल जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, हम सब मिलकर एक एक अपना वोट डालकर एक ऐतिहासिक निर्णय की तरफ इस कन्हल विधानसभा के नतीजे को लेके जाएंगे। मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पे अपील है कि और सभी संगठन के लोगों से, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट 12 बजे से पहले डलवा लीजिएगा, क्योंकि मौसम भी अब अच्छा हो गया है और क्योंकि हम सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जो हमें घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि पुलिस जा जाके हमारे कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है, लेकिन जो जो सूचना हमारे पास आ जा रही है हम उसके तहत काम करते हुए प्रशासन को समझा रहे हैं कि इस तरह का अन्याय ना करे। और बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस बार बात सुन रहा है, और जहां नहीं सुन रहा है वहां हम सीधे संपर्क में हैं और अन्याय हम अपने किसी भी कार्यकर्ता के साथ नहीं होने देंगे। और पूरा परिवार जो आज यहाँ हमारा बैठा है हमारे सामने, क्योंकि यह नेताजी का परिवार है, क्योंकि नेताजी ने अपने खून और पसीने से पूरे इस क्षेत्र को सींचा है, और हम सब ने देखा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर घूम लें तो मैनपुरी में जो विकास दिखता है, जो हमारे करल में विकास दिखता है, जो मैनपुरी के आसपास के क्षेत्रों में विकास दिखता है, वो अन्य किसी भी जिलों में नहीं दिखाई देता है। लगातार हमारा यही प्रयास है कि हमारे लोग, हमारे जनता को हम कैसे सुविधाएं पहुंचा सके, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अच्छे स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, हम लगातार इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे सभी जनों का हम जीवन स्तर सुधार कर सके। आज जिस दुविधा में सभी परिवार हैं, जहां महंगाई की मार है, जहां हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो हम सभी जानते हैं कि इस चुनाव के नतीजे भी कहीं ना कहीं जो 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं और जो परिणाम पूरे लोकसभा का रहा है, कैसा परिणाम रहा बताइए, लोकसभा का कितने सांसद चुन के आए हैं आप सब बताएंगे, इधर मंच में बैठे हुए लोग नहीं बताएंगे, समाजवादी पार्टी कितने सांसद चुन के आए हैं, नहीं इधर नहीं उधर बताएंगे, सबसे पहले महिलाएं बताएंगी कितने सांसद चुन के आए हैं, बताइए कितने सांसद आए हैं चुन के समाजवादी पार्टी के, आपकी पार्टी के 37। और देश की ये कितनी सबसे बड़ी पार्टी है, कौन से नंबर की पार्टी है, और विपक्ष की कौन से नंबर की पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है। तो आज पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो सबको जोड़ के रखने की बात करती है, जो आरक्षण की बात करती है, जो हक सम्मान और अधिकार की बात करती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में सभी सीटों में बहुत ही अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं, और 2027 में मैं समझती हूँ सही आचरण से समाजवादी पार्टी सत्ता के बहुत नजदीक है, लेकिन इसके लिए हमको काम भी लगातार करते रहना है, सबको जोड़ के रखने की बात भी है, सबको मान सम्मान देने की बात भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, सभी के भविष्य के लिए, हम सबको एक साथ बहुत ही समझदारी से भारतीय जनता पार्टी से निपटना है, क्योंकि यह पार्टी बहुत चालाक पार्टी है कि नहीं चालाक, कितनी चालाक है अच्छा बताओ, कितने बड़े बड़े वादे करती है, कितने बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं यहाँ पे, तो अच्छा है यहाँ का विकास कार्य देख के जाएं और अपने भी क्षेत्र में थोड़ा विकास कराएं। आज स्वास्थ्य की समस्या हमारे जिले में तो कम से कम नहीं है, ये सब आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की देन है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने इस लड़ाई में हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि सबसे जहां आप अच्छा कार्य कर रहे हैं
जहाँ ऐतिहासिक परिणाम केरल के आएंगे, लेकिन हम सब पूरी आज जो मंच बैठा है हमारे नेताओं का, हम सब आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे और अपने किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी मुश्किल नहीं आने देंगे। और हम सभी जानते हैं जहां गोद लिए गांव की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, सबसे पहले क्या बात हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी? हाँ, कि हर सांसद एक एक गांव गोद लेगा। तो जहां नेताजी ने गांसी गांव को गोद लिया, पूरी ग्राम पंचायत को जहां गोद लिया, जहां यहां कार्य कराए, जहां और भी सांसदों ने जो गोद लिए थे जब सरकार थी, तो जहां मैं समझती हूँ बहुत कार्य हुआ होगा इस गांव में। नेताजी के माध्यम से बहुत कार्य हुआ है, जहां हमारी बेटियों को कन्या विद्यादान मिला, साइकिलें मिली, बेरोजगारी भत्ता मिला। बताइए, क्या आज भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी भत्ते की बात करती है? कभी भी ना कर सकती है, क्योंकि ये खाली काटने की बात करते हैं। हाँ, ये खाली आपको तोड़ने की बात करते हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की बात करते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हर तरह का समय देखा है। और जहां 2022 का चुनाव हुआ, जहां 2024 का चुनाव हुआ, अब हम जानते हैं कि किस तरह की प्रणाली से ये लोग काम करते हैं। तो हमें बहुत सावधान होकर अपना पूरा वोट 12 बजे से पहले डलाना है। और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पीडीए की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है और यही उम्मीद है कि आप सब एक एक वोट समाजवादी पार्टी को डालते हुए करेल से पूरे देश में एक संदेश देने की जो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और जहां आप लोग संदेश देंगे, वहां हमारा भी तो नाम ऊंचा होगा, थोड़ा सा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चुनाव खत्म होते ही संसद होगी, तो हमको बताना पड़ेगा भाई करेल से कितना जीते हैं, ये तो हमारा घर है, तो वोट की गिनती घटने तो नहीं देंगे। जसवंत नगर से ज्यादा से जिता लेंगे कि नहीं जिता लेंगे, दूसरी बात। हाँ, जसवंत नगर थोड़ा बढ़ा लोगे कि नहीं बढ़ा पाओगे? इधर तो लोग कह ही नहीं रहे, युवा कह रहे हैं, पर इधर के लोग लग रहे नहीं चाहते हैं। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? शासन प्रशासन से डरेंगे तो नहीं? नहीं, डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मौजूद रहूंगी जब परिणाम आएंगे, जिस दिन वोट पड़ेंगे, सभी लोग समाजवादी पार्टी के यही करेल पे मौजूद रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ, इस भरोसे और विश्वास के साथ कि आप सब करेल का नाम पूरे देश में रोशन करने का कार्य करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आदरणीय बुजुर्ग जनों का, अपनी माताओं बहनों का, 12 बजे से पहले वोट डाल के आना है आपको, डालेंगे कि नहीं डालेंगे, और गांव में सबको बताएंगे कि नहीं? हाँ, पक्का? ये नहीं कहिए उपचुनाव में छोड़ दें, जीत ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। वोटों की गिनती का बहुत ही महत्व है इन चुनाव में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण का, कार्यकर्ताओं का, और सभी लोग जो समाजवादी पार्टी से बहुत सालों से जुड़े हैं, नेताजी से के समय से जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।